हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अनुसार जो लोग अपने पास्ट की नेगेटिव घटनाओं में ज़्यादा उलझे हुए होते हैं उन्हें हार्ट डिजीज़, कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये बीमारियाँ हमारे मन में आती हैं और उसके बाद हमारे शरीर में आती हैं। हमारा मन उन पास्ट की पेनफुल मेमोरीज में चला जाता है और फिर वहाँ से हमें नेगेटिव इमोशंस में घेर लेता है और इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से हम अपनी लाइफ में एंग्जाइटी, डिप्रेशन से घिर जाते हैं और ये इतना भयानक होता है कि हम ये अपने प्रेजेंट में भी अनुभव करते हैं। इसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट में सही एक्शंस नहीं ले पाते, सही डिसीजंस नहीं ले पाते और इसकी वजह से हम अपने डिज़ायर्ड गोल्स और रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और यदि आप इससे पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं असीम शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखें। फ्रेंड्स, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके जीवन में भी नेगेटिव घटनाएं हुई हैं लेकिन उन्होंने उससे आगे बढ़ना सीख लिया है, उन्होंने अपना फ्यूचर देख लिया है और वो आगे अपने जीवन पथ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी है जो अपने पूर्व की उन नेगेटिव घटनाओं में ज़्यादा घिरा हुआ होता है और वो अपने फ्यूचर को नहीं देख पाता, वो अपने फ्यूचर में पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले पाता और एक्शंस नहीं ले पाता और वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीन ऐसे तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपने मन को गाइड कर सकें कि वो पास्ट में जाके नेगेटिव घटनाओं में ना फंसे। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है कि हम जब भी हमारा मन किसी पास्ट की पेनफुल घटना की तरफ जाता है और हमें परेशान करने लगता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो घटना आई है जिसने हमें दुख दिया है इसने हमें लेसन भी ज़रूर दिया है, क्योंकि जितना बड़ा पेन हमको लाइफ में आता है उतना ही बड़ा लेसन ज़िंदगी हमें सिखाती है। इसलिए दोस्तों, आप अपना फोकस उस पेन की जगह से हटा करके उस लेसन की तरफ ले जाएं जहां ज़िंदगी आपको ये घटना दिखा करके देना चाहती थी। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना फोकस पेन की तरफ से हटा के उसकी दिए हुए लेसन की तरफ ले जाएंगे, आपके मन में एक शांति की अनुभव होगी, आपका मन मोटिवेटेड होगा कि वो घटना ज़रूर पेनफुल थी लेकिन उसने आपको एक लेसन दिया। दोस्तों, यदि ज़िंदगी कठिन नहीं होगी तो फिर उसको जीने का कोई मज़ा नहीं है। यदि आपको पेनफुल घटनाएं नहीं मिलेंगी तब आप अपने आप से लड़ेंगे कैसे, अपने आप को सुधारेंगे कैसे और अपने आप को ग्रो कैसे करेंगे। इसलिए लाइफ में जब भी कभी नेगेटिव घटनाएं होती हैं तो वो आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं, पॉजिटिव लेसन्स देती हैं। बस हमें करना ये है कि हमें अपना फोकस उन पेनफुल मेमोरीज से निकाल के उनके द्वारा दिए गए हुए पॉजिटिव लेसन्स की तरफ देखना है, क्योंकि जब हम ये देखने लगेंगे तब हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट्स की तरफ चला जाएगा और फिर हम उन नेगेटिव इमोशंस से निकल आएंगे। दोस्तों, दूसरा तरीका है कि जब भी हमें कोई ऐसी दुखद घटना होती है हम या तो खुद को माफ़ नहीं कर पाते या किसी अन्य व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते, तो दूसरा तरीका है फॉरगिवनेस का, कि सबसे पहले अगर वो घटना हमारे कारण हुई है तो हम स्वयं को माफ़ कर सकें और यदि वो किसी दूसरे के कारण हुई है तो हम दूसरे को माफ़ कर सकें। और ऐसा करने से आप अनुभव करेंगे दोस्तों, आपके मन में बहुत ज़्यादा असीम शांति आएगी। जब आपका मन शांत होगा तभी आप कुछ अच्छा निर्णय ले पाएंगे और अपने जीवन में आगे अपने गोल्स को और अपने रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, तीसरा तरीका है आप अपने माइंड को फ्यूचर के बारे में दिखाइए। जब लोगों को अपना फ्यूचर नहीं पता होता तभी वो पास्ट में जाते हैं। जब आप अपने मन को अपना सुंदर फ्यूचर दिखाएंगे तब आपका मन पास्ट की उन पेनफुल मेमोरी से निकल के आपके वंडरफुल फ्यूचर एक्सपीरियंसेस की तरफ जाना शुरू करेगा। आप विजुलाइजेशंस करिए, अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करिए उन बढ़िया एक्सपीरियंसेस के बारे में जो आप आगे चल के अपने जीवन में अचीव करने वाले हैं। आप देखेंगे जितना सुंदर आपका फ्यूचर होगा आपका मन भी उसकी तरफ उतना ज़्यादा ही आकर्षित होना लगेगा
और आप पेनफुल मेमोरीज से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की बात अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के लिए शेयर भी करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।